साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया के का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान, भारत ने जो कर दिखाया वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या तो थी ही, भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक, ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। साथियों, यहां उपस्थित कई महानुभाव इस बात से परिचित है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी बड़ी चुनौती होता है। ऑक्सीजन ऐसे ही किसी टैंकर में नहीं ले जाया जा सकता, इसके लिए खास टैंकर चाहिए होता है। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स,
ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया, पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया।